subscribe now and press the bell icon. Good evening friends, मैं नरेंद्र केवट्स. आज आपको पढ़ाऊंगा ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड. दोस्तों ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड फेटर ट्रेड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है. दोस्तों ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड आईटीआई एग्जामों में पूछा जाता है और सेकंड एग्जाम में खास तौर से. दोस्तों आज मैं आप इस टॉपिक को आपको बेसिकली बताऊंगा और बहुत डीपली से समझाऊंगा कि आप एग्जाम में आ सके तो आप बहुत इजी से बनाएं. दोस्तों आइए अपन पढ़ते हैं ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड. दोस्तों ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का रूल नंबर 1 बोलता है कि एंगल जो होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का बीए का, इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है बीए, तो इसका होता है 47.5 डिग्री एंगल. और दोस्तों इसको बनाने के लिए अपन 47.5 डिग्री को हाफ कर देते हैं तो इसका हाफ होता है 23.5 डिग्री होता है. दोस्तों बनाने के लिए सबसे पहले अपन एक क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट के लिए. दोस्तों बेसिकली कि अपन एक हल्की सी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक यहाँ ऐसी इस तरह, क्योंकि अपन को एंगल लेना पड़ेगा कितनी डिग्री लेता है. ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने खींच ली, कितनी भी आप खींच सकते हैं फ्रेंड्स. और एक मैंने इसी तरह, अब देखिए फ्रेंड्स, अब अपन लेंगे ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड कितना हाफ लेना है. इसको मैंने क्या किया फ्रेंड्स, 47.5 को 2 से डिवाइड कर दिया है तो कितना आ जाएगा 23.5 डिग्री आ जाएगा. ठीक फ्रेंड्स, अपन एक चांदा लेंगे. देखिए चांदों को अपन इस तरह सेट करना है. दोस्तों इस लाइन को मैं और बढ़ा लेता हूँ. दोस्तों हल्का सा बढ़ा लूंगा मैं. ये देखिए अपन बाद में, इसमें कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स. अपन एक ये पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, आपकी मर्जी. और इस चांदे को अपन को इस प्रकार दोस्तों सेट करना है, इस प्रकार. ठीक फ्रेंड्स, अब आपको इधर से 23 डिग्री गिनना है. कितना गिनना है, 23 डिग्री. देखिए ये 10, 20 और ये 23 डिग्री. फिर ठीक फ्रेंड, ये 23 डिग्री अपने क्लिक किया यहाँ यहाँ और यहाँ से पॉइंट से इसको मिला देंगे. देखिए ये लिया और अपन ने इसको यूं मिला दिया. ठीक फ्रेंड्स, मिला दिया. अब अपन को यहाँ से क्या करना है, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेना फ्रेंड. ठीक, देखिए देखिए ठीक फ्रेंड्स. अब दोस्तों अपन भी यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बाद में इसको मिटा भी सकते हैं फ्रेंड. ये देखिए, ये अपन को खींचने में आसानी हो गई. फिर फ्रेंड अपन ये चांदा लेंगे, ये देखिए, और इस पॉइंट पे दोस्तों रखेंगे. देखिए ये रखें ये, और इधर से फिर अपन क्या करें, 30 काउंट करें. देखिए 10, 20, 21, 22, 23 ये आ गया अपना क्या 23. फिर अपन इसको लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अपन ने लाइन ड्रॉ करी थी, ये देखिए ये अपन ने क्लिक कर दिया. अब फ्रेंड एक कोण तो अपना 47.5 का बन चुका है. अपन प्रोटेक्टर्स नापेंगे दोस्तों तो 47.5 डिग्री ही आएगा. अब फ्रेंड्स क्या करना है, अब आपको एंगल नहीं नापना, सीधे से रोलर से लेना है. रोलर नहीं हो सकता आपके पास जो भी हो इससे. देखिए फ्रेंड्स एकदम बेसिकली एकदम बराबर से लेना दोस्तों. ये ड्रॉ करना इस पॉइंट से, ये मिलाना है और इसको इधर से ये मिला देना फ्रेंड. ये देखिए ठीक फ्रेंड, एक और बना ले रहे हैं फ्रेंड्स अपन जितनी बार चाहिए. देखिए फ्रेंड ठीक बन गए फ्रेंड. और अपन को इधर से फिर एक हल्का सा पॉइंट ऊपर कर देना है, हाफ बना लेना. ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स बन गया. और इसको भी हम अपन उतने ही ड्रॉ करें जितना नीचे इधर स्टार्ट किया है, ये 20. ठीक फ्रेंड्स, अब बाकी जो एक्स्ट्रा माल अपन उसको रफ कर देंगे फ्रेंड्स. इसमें और एक अपन ने सेंटर लाइन ड्रॉ नहीं की, इसको भी अपन ड्रॉ कर ले रहे हैं फ्रेंड्स. ये देखिए जी, ये देखिए फ्रेंड. ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड, बाकी मैंने रफ कर दिया फ्रेंड. देखिए अब अपन को इधर से ये हल्का हल्की इस तरह, ये अपन को इधर भी कर लेना. ठीक फ्रेंड्स, ये हल्की हल्की फ्रेंड्स,
अब स्ट्रेट सीधे अपन को भी फ्रेंड इधर कर लेना है, यूँ ये अपनी चूड़ी बन जाएगी फ्रेंड्स। ये देखिए थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ फ्रेंड, जिनको वीडियो कम समय बने और आप जल्दी से समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से बनाइएगा। ये देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई। अब अपन को हैचिंग करना फ्रेंड्स, क्या करना है हैचिंग करना है। ठीक देखिए ये फ्रेंड ये रोलर्स के सेट किया, ये देखिए ये इसी तरह फ्रेंड्स अपन को सारे में क्या कर देना है हैचिंग कर देना। वीडियो को पोस्ट करके सारे में कर लेता हूँ दोस्तों, इस तरह में टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको समय भी बहुत लगेगा वीडियो देखने में, इसलिए फ्रेंड कम समय में चाहता हूँ कि वीडियो कंप्लीट हो जाए और अच्छे से भी आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों मैं इस ये फ्रेंड मैंने सारे में हैचिंग कर दिए फ्रेंड्स, अब आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों अब इसमें क्या बचा, अपन को डायमेंशनिंग करने की बचा। देखिए फ्रेंड्स ये गया अपनी ये इस और इस दूरी को क्या कहते हैं पिच बोलते हैं दोस्तों, पिच बोलते हैं, क्या बोलते हैं पिच। और पिच को हम किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, पी से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। और ये अपना ये ठीक फ्रेंड्स। अब दोस्तों इसमें एक और ख़ास बात बची जिसमें आपको मैं करने जा रहा हूँ। देखिए अपन क्या लेंगे, ये राउंडर लेंगे और राउंडर को इधर सेट करेंगे फ्रेंड्स और थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इस पॉइंट से ये करेंगे इधर ही दोस्तों सेम, इस पॉइंट से इस पॉइंट में लाएंगे और सेम फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट में धरेंगे और यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। ठीक फ्रेंड्स अब क्या मिल गया अपन को, पॉइंट मिल गए। तो अपन यहाँ एक यहाँ अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर से भी यहाँ ड्रॉ करेंगे और एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे अपन और इस पॉइंट से भी अपन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। अब ये अपन ये लाइन खींच दी, ये डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे। ठीक फ्रेंड्स इसको स्मॉल डी बोलेंगे दोस्तों, इसको कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। ठीक फ्रेंड्स अब मैं यहाँ बता देता हूँ कैपिटल डी का और स्मॉल डी का मान क्या होता है। कैपिटल डी का मान होता है फ्रेंड्स 1.136 पी और स्मॉल डी का मान होता है 0.6 पी। तो ठीक फ्रेंड्स अपनी ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों कैसी लगी मेरी ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं चलूँगा, अब टॉपिक लेके आऊँगा स्क्वायर थ्रेड का। दोस्तों इंतज़ार रहिए, मैं आपको स्क्वायर थ्रेड से ज़रूर लाऊंगा और आपका जो भी टॉपिक हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।